गाइस वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे आप सब आइए बच्चे होंगे। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी तीज। लग चुकी है तीज की मेहंदी, कैसी लगी बताना कमेंट में। और नेल पेंट भी लग चुकी है मेरी, सिद्धार्थ गया स्कूल तो दोनों हाथों में मेहंदी एंड नेल पेंट लग चुकी है। ठीक है, सिद्धार्थ आएगा 12 बजे, तब तक मैं निपटा लेती हूँ काम। सिद्धार्थ नाश्ता करके गया था तो ये बर्तन अभी यहीं फटाफट में उसे छोड़ के आई थी। मैं पहले फटाफट साफ सफाई करती हूँ और फिर मैं फटाफट काम निपटाती हूँ, वो नाश्ता बनाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। ठीक है, तो गाइस सिद्धार्थ को स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। और इधर लगा ली मैंने नेल पेंट, क्योंकि क्या है फिर मैं ना लास्ट में काम निपटाने जा रही हूँ। मैंने कहा पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ। ये थी नेल पेंट, लेके आई थी कल, तो क्योंकि क्या है मैं बाद में ना भूल जाती हूँ नेल पेंट लगानी, सिर्फ नेल पेंट रह जाती है लास्ट में, तो इसलिए मैंने पहले नेल पेंट लगा ली दोनों हाथ में। तो अब मैं चाहती हूँ काम निपटाने फटाफट। मेहंदी कैसी लग रही है इस हाथ में? तो फिर भी अच्छी लग रही, लेकिन इस वाले हाथ की तो बैंड बजा दी मैंने, देखा। ठीक है ना, से अच्छी तो है, सगन हो गया है और क्या है नहीं। तो काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं। सिद्धार्थ गया स्कूल, आएगा 12 बजे, तब तक मैं काम शाम निपटा लेती हूँ, नाश्ता वास्ता बना देती हूँ, उसके बाद आराम से तैयार होंगी साड़ी वाड़ी पहन के। ठीक है, फिर मिलती हूँ रेडी होके। तो गाइस काम निपट गया है सारा और मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, नहा के होती हूँ तैयार। यहाँ सारी तैयारी मैंने कर ली है, अपनी ये जो मैं आइटम पहनूंगी सब रेडी होके दिखाती हूँ मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। ठीक है, सब ये उतारूँगी कान बन के, ये तो नहीं उतारूँगी, मगर उसे पहना हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से रेडी होती हूँ मैं, ये पहनूंगी सब आइटम। साड़ी पहनी है मैंने, और बाद में दिखाऊंगी फुल लुक। चूड़ियाँ डाली है हाथों में, अब करने जा रही हूँ मैं अपना मेकअप। मेकअप कर लेते हैं पहले, सबसे पहले अप्लाई करूंगी आज मैं बीबी क्रीम। पता नहीं कैसे तैयार होंगी बट हो जाऊंगी, मुझे आता नहीं है रेडी होना वैसे। अच्छे से पहले इसको ब्लेंड करेंगे। बस मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ मेकअप लुक आप लोगों के साथ। तो अच्छे से हो गया ब्लेंड, अब कुछ नहीं, अब लगाऊंगी सिंपल सा कॉम्पैक्ट पाउडर। लगाऊंगी सबसे पहले लिपस्टिक, मेरी फेवरेट रेड। जैसा तैसा मेकअप आता है वैसे शेयर कर रही हूँ। लगाऊंगी मैं काजल, जो कल लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी काजल है। बस मैं ज्यादा मोटी काजल लगाती नहीं हूँ, मुझे परी की काजल पसंद है। अब लगाएंगे आईब्रो पेंसिल। बिंदी कौन सी लगाऊं गाइस? गोल्डन ग्रीन अच्छी लगी मैं। अब मैं पहनूंगी अपनी ज्वेलरी। मेकअप देख लो, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने,
लिपस्टिक लगा के ना ऐसा लगता है तेरी कितना मेकअप हो गया हमने। इसका धागा भी ना टेढ़ा है, इधर आता है बेटा, मंगल से पहना भैया। ये पहनू लाइनर लगाना तो भूल ही गई, लाइनर शीशे पे लगाती हूँ। तो गाइस फाइनली हो चुकी हूँ मैं रेडी, कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने चूड़ियाँ डाल ली है, मैंने चूड़ी के आगे अपना ये गोल्डन कलर डाल लिया है, और कुछ ये डाला है मैंने कान में, कुछ हट के थोड़ा सा ऐसा लग रहा साइड, नेकलेस है प्यारा सा ब्यूटीफुल सा, मंगल सूत्र है छोटा सा, ये है मेरा इतनी साड़ी डाल लगा दी अपने आप ही, सिंपल एंड सोबर लुक रखा, ज़्यादा काम वाम नहीं, बस थोड़ा सा कान के हैवी हो रहे हैं, है ना। अब ब्लाउज कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना, गोल्डन ब्लाउज वाला है इससे मैच हो रहा था ना इसका, तो मैंने इसे सिलवाया। गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्यूटीफुल सा लुक कमेंट में जरूर बताना, कैसी लग रही हूँ मैं, देन मेरी चूड़ियां एंड कड़े एंड रिंग नेल पेंट लिपस्टिक, बिंदी में थोड़ी रेडियम वाली लेके आई थी, लाइनर भी काफ़ी टाइम बाद लगाया, आई शेड वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ, थ्रेड भी अच्छी बनाई है ना। तैयार होने में तो बस ऐसा लगता है खुद को देखते रहो है ना। शर्मा जी बायना निकाल रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शर्मा जी निकालेंगे बायना, बस मैं पापा को दे दूँगी, मैं खड़ी हो जाती हूँ साथ में। तो गाइस ना शर्मा जी निकाल रहे हैं बायना, ये निकल गया बायना यहाँ से, मम्मी बोले हैं इसके बच्चे हैं, मम्मी जैसे हो दे ना पापा को देना। गाइस ये बायना निकल गया है, तो बायना इसलिए निकाला है शर्मा जी ने क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे कहा गया था कि बायना ये निकाल देंगे तुम खाली पापा को दे देना, सो बस ठीक है मैं हो गई रेडी, बनाते हैं फटाफट से चाय, शायद चाय पीते हैं। यहाँ रहे मेरे रक्षाबंधन के लिए पार्सल, दो चार पार्सल आ चुके हैं, बट ये अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, रक्षाबंधन की तैयारियाँ हो रही है जोरों शोरों से, जो जो मतलब बच्चों के लिए मैंने मंगाया है वो सब सामान है जो सिद्धार्थ अपनी बहनों को देगा, चेक करते हैं, बाकी मैं चेक कर लेती हूँ फिर मैं दिखाऊंगी नहीं। तो गाइस ससुर जी तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो मैं जा रही हूँ कान के चेंज करने, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं कान के, देख रहे हो इचिंग बहुत हो रही है उनसे ना, सो मैं चेंज करती हूँ जब पापा आएंगे, तो बायना देना है अब तो खाली खैर, और ये छोटे वाले डाल लेती हूँ फिलहाल, वैसे अच्छे लग रहे थे ना, नन भी कह रही थी मेरी ऐसी रा करो, मैंने कहा डेली कौन पहन रहे थे हैवी हैवी ज्वेलरियाँ और साड़ी वाड़ी, कभी कभी अच्छी लगती है ना। सोन पापड़ी एंड बर्फी एंड घेवर एंड पैसे, ये पापा आएंगे पापा को दूंगी बायने में, तो ये मैंने ढक के रखा हुआ है। तो गाइस अब कर रही हूँ खाने की तैयारी डिनर की, इधर बन गया कद्दू बन गया है, सुबह बनाए थे जीरा आलू, दादू आ गए चुप जाओ, तो इसकी कुछ शर्मा जी सब्जी बनाएंगे सोयाबीन की। गाइस मैं जा रही हूँ बायना देने, लो साथ में खड़े हो जाओ, बायना दे दिया है, मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करके आती हूँ, गर्मी लग रही है, और इधर बना रहे हैं कुछ शर्मा जी कुछ न्यू रेसिपीज, ठीक है मैं कैमरा लगा दिखाती हूँ रेसिपी सोयाबीन की, और इधर बन चुका है कद्दू, ये रहा कद्दू खट्टा मीठा है ना, ये सुबह बनाए थे जीरा आलू,
इधर आटा गूंदा हुआ मैंने, पूरी बनाऊंगी। तो गाइस ज्वेलरी वगैरह उतार दिए, अब बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है सच में, हैवी हैवी सा हो जाता है। चूड़ी तो एकदम नहीं उतारूंगी, कड़े उतार दूंगी आगे के, चूड़ी नहीं उतारूंगी, चूड़ी कल उतारूंगी। ठीक है, तो मैं अपनी ससुर जी को बायनेस ले देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सास नहीं है, तो मुझे घर के बड़ों ने कहा है कि ससुर जी को ऐसे ऐसे करके दे दिया करो सूखा बायना, तो मैं वैसे दे देती हूँ सूखा बायना ससुर जी को। बस कैसा लगा था आज का मेरा लुक कमेंट में ज़रूर बता देना। अब बना रहे हैं खाना, बस अब खाना खा पी के करेंगे ब्लॉग का एंड कर ही देते हैं, है ना, तो ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कैसा रहा आज का, कैसा लगा आपको आज का मेरा तीज का लुक, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी एंड ऑल, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और हाँ, साड़ी ये ऑफलाइन थी, ऑनलाइन नहीं थी, ठीक है, मार्केट से, मतलब ये साड़ी मुझे शादी में मिली थी, जहाँ नांगल गए थे ना हम शादी में, तो वहाँ से साड़ी मुझे मिली थी, ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ठीक है, करते हैं चेंज, पसीने से बहुत बुरा हाल हो रहा। इसी के साथ करते हैं तीज का ब्लॉग एंड, आई होप कि आज का छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी अंकित शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और अभी रक्षाबंधन के मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मंगा रखे हैं, अभी 4-5 प्रोडक्ट आ चुके हैं, जब सारे इकट्ठे आ जाएंगे तब मैं ब्लॉग लेके आऊँगी। ठीक है, बाकी आपको ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।